Hello everyone, welcome back to AV classes. Mask regular use कीजिए because ये आपको safe रखेगा. देखिए इस तरह की condition चल रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ safety ही रख सकते हैं. तो please घर पर रहिए, safe रहिए. और education industry बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि different phase से गुजर रही है. तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाइए. अगर आपको फिजिकल क्लासेस नहीं मिल रही है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाइए. बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस भी. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है 11th 12th अकाउंटेंसी की, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा. डेमो लीजिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अच्छा लगता है, कैरी कीजिए. बट एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, क्योंकि आप खाली बैठ करके अपनी एजुकेशन को बिल्कुल निल कर लोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो चलिए आगे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, क्लास 12 एनपीओ. आज हम एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये 4 ऐसी एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, पर एक बार उसका ओवरव्यू लेंगे और आगे की 2 एडजस्टमेंट और देखेंगे और एक एडजस्टमेंट और आएगी. ओवरऑल 5 एडजस्टमेंट यूज होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं ये. अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई ना, तो आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा. तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से लेक्चर को समझिए. और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है. देखिए जो हमने बात की थी ना, हमने बात की थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, और इसके साथ हमने कंपेयर किया था एक्रूड इनकम को. देखिए बात ऐसी है, सीधे सीधे अगर मैं आपको वर्डिंग में समझाऊं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो आपने एक्सपेंस तो हो गया है बट आपने अभी तक उसको पे नहीं किया. यानी कि आपने खर्चा तो कर दिया, यानी कि एक्सपेंस तो प्लस हो चुका है, बट जो पेमेंट है वो अभी ड्यू है, आपने पे नहीं किया. क्लियर है, बात समझ में आ गई. यहां पर मैंने आपको एंट्री समझाई थी. देखिए यहां पर जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग प्लस होता है. और सेकेंड थिंग कहां पर जाता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. बिकॉज रीजन क्या है, रीजन ये है भैया, इन फ्यूचर जो आपको पे करना होता है ना, वो आपकी लाइबिलिटी होती है. तो आउटस्टैंडिंग में भी तो ऐसा ही है ना, एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने अभी तक उसको पे नहीं करा, तो इन फ्यूचर आप पे करोगे ना, तो डेट इज आउटस्टैंडिंग. तो एक्सपेंस में प्लस किया जाता है और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है. इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है. इसके बाद अगर हम आगे बात करें, बात करते हैं एक्रूड इनकम की. एक्रूड इनकम, इनकम अर्न तो कर ली है बट रिसीव नहीं हुई है. अर्न करना यानी कि मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मंथ कंप्लीट हो गया, तो मैंने इनकम तो अर्न कर ली बट अभी फी नहीं आई है. फी नहीं आने का मतलब यह है कि इनकम तो अर्न है बट अभी फी एक्चुअल में पैसा नहीं आया. तो यहां पर मेरा राइट आ जाता है कि मैं स्टूडेंट से अपनी फी के लिए बोल सकता हूं. तो जिस चीज पर आपका राइट आ जाता है, डेट इज एसेट्स. तो ऐसे में मेरी इनकम तो हुई है ना. अगर एक्रुअल कॉन्सेप्ट देखें तो इनकम तो की जाएगी प्लस, एक्रूड इनकम प्लस कर ली जाएगी इनकम में, एंड बैलेंस शीट में कहां जाएगा, एसेट साइड में शो किया जाएगा. तो ये बातें आप सभी को समझ में आ गई हैं, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है. अब हम आगे बात करेंगे 2 एडजस्टमेंट कौन कौन सी, बड़े ही ध्यान से समझिएगा. देखिए वीडियोस को रेगुलर देखिए, अगर आप जितना रेगुलरिटी में रहेंगे ना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे. और हम सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन भी करेंगे भाई, उस चीज से टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी. देखिए 3rd एडजस्टमेंट की बात की जाए तो प्रीपेड एक्सपेंस. देखिए बात ऐसी है, प्रीपेड एक्सपेंस नाम से भी पता चल रहा है. फोन कनेक्शन यूज करते हो ना, प्रीपेड, पहले पे करते हो, आफ्टर डेट यू यूज डेट, ठीक है. तो प्रीपेड का मीन है कि पहले पे करो, आफ्टर डेट आप यूज करोगे. यानी कि आपने खर्चा नहीं किया
आप पहले एडवांस में पे करके आओगे, आफ्टर डेट आप एक्सपेंस करोगे। अब ये कैसी बात हो गई है, तो बड़े ही ध्यान से समझिए। हल्दीराम जाते हो, हल्दीराम में ना आप पहले आइटम चूज करते हो और पहले आप कैश काउंटर पे जा करके पेमेंट करते हो। बात समझे? आपने कैश काउंटर पे जा करके पे कर दिया, क्या आपने फूड कंज्यूम कर लिया क्या अभी? नहीं, आपने अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है, सिर्फ आपने पॉकेट से पैसे निकाल करके खर्चे के नाम के दे दी कि भाई ला मेरे को एक छोले भटूरे या फिर डोसा दे दे, बट अभी फूड कंज्यूम तो नहीं होना। जब तक फूड कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या पता आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं मेरे को नहीं खाना है, या कुछ इमरजेंसी आ गई कि भैया ये स्लिप लीजिए मेरा पैसा वापस कर दीजिए, वो करेंगे नहीं। बट एक जेन्युइन केस मान लीजिए, नॉर्मल शॉप है, हल्दीराम को छोड़ दीजिए, वहाँ टोकन सिस्टम है, पहले पे कीजिए, आफ्टर डेट आप फूड कंज्यूम कीजिए, मोस्टली शॉप पर ऐसे ही चलता है। आपने पैसा दिया कि ला भाई मेरे को ये चीज़ दे दे, अभी ली तो नहीं है ना, जब तक नहीं लिए जब तक तो खर्चा नहीं हुआ, लेकिन पे करा, पे करने के नाम जो पे कर दिया वो तो है आपका एडवांस में पैसा गया हुआ, लेकिन अभी तक आपने कंज्यूम नहीं करा। कंज्यूम करने से पहले तक आपका राइट है, आपका उस पैसे पर राइट है कि आप वो पैसा अपना वापस ले सकते हो, तो इसी को प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। ऐसे में खर्चा नहीं हुआ हुआ होता है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसेस में से प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, क्योंकि खर्चा तो हुआ ही नहीं है ना। जब तक खर्चा नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे, एक्सपेंस में उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, वहां से एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। दूसरी चीज, अभी भी एक्सपेंस नहीं हुआ, जो आपने पैसा पे करा उस पर राइट अभी भी किसका है? आपका। जहां राइट होता है वो आपकी एसेट्स क्रिएट होती है, तो आप इसको बैलेंस शीट में किधर शो करने वाले हो? एसेट साइड में। बातें क्लियर हो गई आपको? क्लियर, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखिए, फोर्थ, अनअक्रूड इनकम, यानी कि एडवांस इनकम आना। कैसे? ट्यूशन के लिए बच्चे आए मेरे पास, बोलने लगे सर ट्यूशन पढ़ना है, ये लीजिए आप अपनी एडवांस फीस मंथ की। तो भैया उन्होंने बोला कल आएंगे और ये आप अपनी फीस ले लीजिए। मेरे को जो फी मिल गई ठीक है, पर क्या मैंने अर्न कर ली क्या? नहीं। जब तक मैं उनको प्रॉपर पूरे मंथ ट्यूशन नहीं दूंगा, क्लासेस नहीं दूंगा, जब तक वो मेरा कमाया हुआ पैसा नहीं माना जाएगा, उस पैसे पर मेरा राइट नहीं आएगा, समझे आप? यानी कि वो पैसा जो आपको इन एडवांस आया है बट अभी तक आपने उसको अर्न नहीं किया, तो अनअक्रूड इनकम बोली जाती है। पैसा दिया स्टूडेंट ने, कल उनका मूड चेंज हो गया, नहीं सर हमें नहीं पढ़ना आपसे ट्यूशन, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है वो पैसा अभी भी, क्योंकि मेरे को वो रिटर्न करना पड़ेगा बिकॉज मैंने अभी तक उसको अर्न नहीं किया था। बातें क्लियर हो गई? तो ऐसे में आप क्या करोगे, इनकम तो हुई नहीं है, इनकम तो जनरेट हुई नहीं है, इनकम जब जनरेट नहीं हुई तो इनकम में भी तो इंक्लूड नहीं मानेंगे ना, तो क्या कर लेंगे इसको इसमें से माइनस। दूसरी चीज, आपकी लाइबिलिटी है, क्या है आपकी लाइबिलिटी, तो आप बैलेंस शीट में शो करोगे इसको लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज आपका अभी मेरा उस पैसे पर राइट आया ही नहीं है, जब तक मैं उसको अर्न नहीं करूंगा वो मेरा पैसा नहीं बनेगा, वो मेरे को रिटर्न करना पड़ सकता है अगर मैंने अर्न नहीं किया। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये चार आपको बड़े ही ध्यान से ये चार एडजस्टमेंट आनी चाहिए, तभी आप आगे काम कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। क्लियरली बात सुन लीजिएगा। बात आती है एक फिफ्थ एडजस्टमेंट, वो तो बहुत छोटी है, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन वही आपकी एसेट्स में जो वैल्यू का रिडक्शन हो रहा है, डेट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। आप क्या करोगे, एसेट्स में से माइनस कर लिया जाएगा, और कहां पर दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू साइड में, बिकॉज ये आपका एक्सपेंस है, लॉस है। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट होती है जिनका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसके ऊपर कितनी एडजस्टमेंट आती है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से क्लासेस कीजिए, और अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक
क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और कुछ भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।